आज होली नहीं है। वेलकम बैक टू माई चैनल द ग्लैम स्टोरी बाई मानजी। आज नया के स्कूल में ग्रेजुएशन डे था और वहाँ एक प्री होली सेलिब्रेशन पार्टी भी थी जिसका ये कलर है, वहाँ पे हम लोगों ने होली खेली। तो यस, इनाया का आज लास्ट डे था स्कूल में क्योंकि ये एक प्री स्कूल था। इनाया पैटल्स प्री स्कूल में पढ़ती थी, वन ऑफ द बेस्ट प्री स्कूल है ये यहाँ का। अब इनाया जो फर्स्ट क्लास में जाएगी वो कोई दूसरे क्लास में एडमिशन लेगी। तो बहुत ही इमोशनल मूवमेंट था इनाया के लिए एज वेल एज वहाँ के टीचर्स के लिए, प्रिंसिपल के लिए। तो देखते हैं इनाया का ग्रेजुएशन डे कैसा था। तो मेरे दोनों बच्चे रेडी हैं आज इनाया का ग्रेजुएशन डे अटेंड करने के लिए। आज जी हाँ, आज इनाया का ग्रेजुएशन डे है और रामांश को मस्ती करने का पूरा मौका मिलेगा वहाँ पे। तो हम स्कूल पहुँच चुके हैं। स्कूल पूरी तरीके अच्छी तरीके से डेकोर था, इनाया का फ़ोटोशूट हुआ और उसके बाद हम पहुँचे मैम से मिलने उसके रिज़ल्ट को लेने के लिए। मैम ने बहुत अच्छे रिमार्क दिए थ्रू आउट पूरे साल। इनाया का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, वो एक एक्सीलेंट बिहेवियर और गुड मैनर गर्ल है और वो उसने टॉप भी किया है क्लास में। तो यहाँ पे एक स्कूल मैनेजमेंट ने एक छोटा सा प्री होली सेलिब्रेशन पार्टी भी रखी हुई थी। बच्चों को फूलों की होली खेली, बच्चों ने बहुत ज़्यादा मस्ती की। मेरा रामांश देखो ना कितना 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 मस्ती कर रहा है। जी हाँ, बहुत ही नॉटी है, उसने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। और साथ ही ना उन्होंने कुछ गुलाल भी रखा था। ऐसा नहीं है कि बच्चों ने सिर्फ होली फूलों वाली खेली, लेकिन उन्होंने गुलाल से भी खेली और बहुत ज़्यादा मस्ती की। और वहाँ स्नैक्स रखे, रिफ्रेशमेंट थे बच्चों के लिए। तो सो बच्चों ने ओवरऑल बहुत इंजॉय किया। और उसके बाद मैम ने इनाया को उन्हें रिजल्ट दिया, उसकी डिग्री दी। यस जी हाँ, ये था इनाया का ग्रेजुएशन डे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।